असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ व्यू। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, हरियत से होंगे, खुश होंगे जहाँ भी होंगे। असल फ्रेंड्स मिलते हैं सब खुश होंगे जहाँ भी होंगे, सर्दी इंजॉय करेंगे और मेरी लाइन से हो रही है, मैंने भी बोला था ये। नहीं गाइस, बताएं जहाँ भी हैं आप कैसा मौसम है वहाँ का? यहाँ तो बहुत ठंड हो रही है, हम देखिए हीटर लगा हुआ है पास और स्वेटर्स पहन के बैठे हुए हैं। सर्दी तो सुबह स्कूल जाते हुए पता चलता है ना, वो व्हाइट लाइन बना होता है सारा। कॉपी कैट, कॉपी कैट, कॉपी कैट, ये एक्चुअली हम ट्यूशन बैठा है तो वहाँ पे हम की बात चोरी कर दी। चोरी नहीं किया, मतलब उन्होंने जस्ट एक बात की थी तो सेम बात थी तो इसलिए मैंने बोल दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। कॉपी कैट, अच्छा ठीक है, बस करता। सो गाइज, अच्छा मैं स्कूल जाती हूँ इस बात पे सब हैरान है ना, क्योंकि मतलब मैं हूँ, मैं अभी छोटी हूँ, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ। ये 24 साल की बुड्ढी नहीं होती। नहीं नहीं, गलत बात। अच्छा नहीं, मैं सच्ची बताऊँ, अच्छा सॉरी, इसको वैक्सीन हुई थी। सो मतलब सच्ची बताऊँ तो मतलब जब मैंने स्टार्ट फेसबुक से लिया था जैसे सबको पता है, सो मुझे किसी ने कहा था कि वहाँ अपनी एज जो है ना बड़ी नहीं बताना, मतलब छोटा नहीं बताना वरना लोग आपको बेवकूफ बनाएंगे, क्योंकि फेसबुक की दुनिया एक फेक है। मतलब अच्छे लोग भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे काफी बहुत बहुत मतलब ज्यादातर अच्छे लोग ही मिले हैं, जो अच्छे फ्रेंड मेरे अच्छे लोग भी होते हैं, बट ज्यादातर जो है ना वो फेक दुनिया नहीं है होते वहाँ पे। सो इसलिए हम बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। सो मैं मैथिक स्टूडेंट हूँ, इतनी बड़ी नहीं हूँ, हाँ नहीं तो इसलिए ना मुझे तब बड़ा ना समझा करो। मतलब मैट्रिक स्टूडेंट इसलिए हूँ क्योंकि मैंने बीच में मैंने गैप आ गया था, मतलब काफ़ी कुछ हुआ था, फिर मेरा दो साल का गैप आ गया था स्कूल की स्टडीज़ में, सो इसलिए फिर मुझे छोड़ना पड़ा, वरना अभी मैं कॉलेज में होती। सो छोड़ो, बहुत लंबा हो गया, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम जिस टिकटॉकर की वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं उनका नाम है फातिमा जाफरी। शब्बर की वीडियो पे हम लोग रिएक्शन दे चुके हैं ना, तो उनकी मेरे से एक कजन है, सो काफी अच्छी वीडियो सुनाती हैं ये भी, सो देखते हैं वीडियोस, लेट्स स्टार्ट। अगर कभी कम नहीं है जरूर तुम्हारी, दूर हो जाओ मुझसे, उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है तुम्हारी, मत जाया करो। होता है जब मतलब आप किसी को कहो ना गुस्से में कि हाँ भाई यहाँ से जाओ ना, नहीं रुको इधर, तो मतलब फिर उस बंदे को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब वो चला जाता है ना तो फिर और गुस्सा आता है कि इसे हमने कहा तो ये चला भी गया, जाना चाहिए था, रुक जाना चाहिए। तो अक्सर देख लिया करो बंदे के मूड के हिसाब से, अगर वो अपसेट हो तो फिर नहीं जाया करो। एनीवेज नेक्स्ट वीडियो देखते हैं जी। हमेशा मीठे लफ्ज बोलो ताकि अगर वापस लेना पड़े तो कड़वे ना लगे। कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकले हुए अल्फाज कुछ इसी टाइप के हैं ना, वापस नहीं आते, सो हमेशा अच्छी बात किया करें। सो नेक्स्ट वीडियो, किसी ने मुफ्त में वो शख्स पाया जो हर कीमत पे मुझको चाहिए था। हाय नाइस, किसी ने लगी किस बात को, मतलब ये अक्सर लक की बात होती है ना, नसीब। हम यहाँ दुआओं मांगते रहते हैं, हम कहते रहते हैं हमें किसी भी कीमत पे मिल जाए वो, और जो नसीब वाले होते हैं वो फ्री में ले जाते हैं बिना मांगे, बिना कोई कीमत दिए। ऐसे मैं तो मरकर फना भी हो जाती, जॉन की शायरी से जिंदा खुद कर जाके वकालत हम भी करें, ठीक है ड्राइवर।
फूल चुनती रही और मुझे खबर भी ना हुई। वो शख्स आके मेरे शहर से चला गया। मेरी जाना चाहिए था, गलत किया। आपने नहीं कुछ बोलना, मैं तेरे पे ना करती। वाह कितनी बड़ी बात बताई, तो मुझे नजर ही नहीं आया। निगाह में मंजिल तो जस्तो जूही सही, नहीं विशाल मयसर तो आरजू ही सही। न तन में खून फराहम, न अश्क आंखों में, नमाजे शौक तो वाजिब है, बेवजू ही सही। मजे की पार्टी करती है, शब्बर भी इसी तरह अच्छी से पार्टी करते हैं। ये बैठ सकते हो मेरे पास अगर दिल चाहे, दिल ना माने तो किसी वक्त भी जा सकते हो। तुम मुझसे बात कर सकते हो मोहब्बत की बस, और मुसीबत में मुझे काल मिला सकते हो। अच्छा इन्होंने मतलब पैंट शर्ट भी पहनी हो पर दुपट्टा मस्त किया होता है ने, तो सूट करता है। हाल ये है कि अपनी हालत पे गौर करने से बच रही हूँ। कुछ है दिल पे मोहब्बत का उतारू। क्या हाल हो गया इनका। अपनी हालत पे बहुत ही गौर करने से बच रही, अक्सर हो जाता है। इन मुश्किलों को झेल के आसान बना दिया, आजमाइशों पर हौसलों का आसमान चढ़ा दिया। बच्चों को बाप बनके पालने वाली माँ सुनो, तुमने तो खुद माँ का भी मान बढ़ा दिया। ऐसे ही सच्ची बात के बात नहीं होती, मतलब कोई कोई कर सकता है दोनों को ट्रीट। हमारी मम्मा भी, हमने देखा है उन्हें जैसे उन्होंने पापा की डेथ के बाद किया है सब, तो बाकी नहीं होती सब दिवस की बात। ये देखते हैं प्यार हो गया है आपको हमसे। ये क्या था। मैं आई हूँ वीडियो बनाने अपने दोस्त के घर, हमारा घर नहीं, और ये साहिबा हमें दाना क्या मार रही है। पहले आप लोगों ने दाना मारा कि जगह है एक ही है, और अब ये कह रही है कि कपड़े एक ही कब से बनाए जा रही है। अच्छा वाकई ये सिचुएशन हमारी चल रही है वाकई। मतलब गाइस एक बात मैं भी क्लियर कर देती हूँ कि ना हमारा कोई बहुत बड़ा घर है जो मैं हर दूसरे दिन लोकेशन चेंज हुई हो, ना हमारे पास कोई बहुत बड़ा वार्डरोब है जहाँ कपड़े कपड़े और हम हर वीडियो में डिफरेंट कपड़े पहन के बैठे, ऐसा नहीं है। सो दें या तो हमारा साथ दें ताकि हम फिर अपना अच्छा सा स्टूडियो बना लें जहाँ हम आपको हमेशा लोकेशन चेंज करके बताएं। मतलब ये कोई ब्लॉगिंग चैनल तो है नहीं, ठीक है। तो लोकेशन आपको एक ही नजर आएगी, एक ही बैकग्राउंड नजर आएगा। हाँ, क्या हमने चेंज किया था। हाँ एक एक वीडियो के लिए, पर मुझे वहाँ कुछ अच्छा नहीं लगा इसलिए वापस नहीं आ गया। आदत हो गई है इतनी सारी वीडियो जितने बैकग्राउंड नहीं है, तो दस ही अजीब लगता था थोड़ा। सो फिर यहाँ तो हमारे साथ दें ना ताकि हम फिर चेंज करें और फिर आपको चेंज देखने को मिलेगा, वरना इसी से गुजारा करें ना। सॉरी गाइस एक्चुअली मैंने वीडियो स्टॉप की थी क्योंकि भाई आ चुके हैं और बस अब आपको शोर की आवाज आती रहेगी। वीडियो स्टार्ट कर रही हूं। मैं अपनों से उम्मीदें लगाने लगी थी, फिर मुझे किस्सा यूसुफ याद आ गया। अपनों से भी उम्मीदें नहीं लगा सकते। भाई लोग कहते हैं कि एक ही जगह पे वीडियो बनाती हूँ, एक ही जगह पे वीडियो। भाई हमारे पास एक ही जगह है, आपने हमें देखने देखो। हाँ बिल्कुल, ये चाची सही बोल रही है। बिल्कुल सही बोल रही है, जो एक ही बोला जगह देखने देखो। मुझे समझ नहीं आई जो चाची ने बोला, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बोला, मुझे भी नहीं समझ आई मैंने किस बात बोला। सो गाइस ये थी इनकी थोड़ी थोड़ी सारी वीडियोज, तो आप बताएं आपको कैसी लगी। मुझे तो वो वाली अच्छी लगी थी। कौन सी थी वो वाली कौन सी थी। तो क्या बता वो वाली कौन सी थी। एक मिनट कौन सी वाली थी वो था क्या उसमें मुझे बिल्कुल भी नहीं याद आ रहा, लेकिन मैंने बोला था कि मुझे वो वाली अच्छी।
ये पागल है, इग्नोर करें इसको। एक मिनट में सोचती हूँ थोड़ा आप बोले। अच्छा गाइस, बड़ी मजे की वीडियो थी, मतलब बहुत ही प्यारी हैं ये। अच्छा मुझे एक बात इनकी बड़ी अच्छी लगी, हम जो मर्जी पहनाओ सर से दुपट्टा नहीं उतारती हैं, जो कि आजकल बहुत कम लड़कियां लेती हैं तो ये उतारती नहीं है, तो काफी अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छी लगी थी लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन सी थी। अच्छा खैर कोई बात नहीं। तो गाइज आप बताएं आपको इनकी वीडियोस कैसी लगी और आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा और आप क्या चाहते हैं हम आगे किस पर। वैसे सभी बहुत अच्छी थी लेकिन मुझे वो वाली बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन अब मुझे नहीं याद आ रहा वो वाली कौन सी थी। और ऐसा दोबारा रिपीट कर अपनी बात, किसी को समझ नहीं आई होगी क्योंकि इस बार नाम से बोले। हाय गाइज, सो आप बताएं आपको कैसी लगी वीडियोस और आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा और आप क्या चाहते हैं आगे हम किस पर, और आप क्या चाहते हैं हम किस पर रिएक्शन दें हमें कमेंट्स में बताएं। और बस और हमारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ट्विटर का भी है हाँ, और फेसबुक का भी और इंस्टाग्राम का भी, और सारे लिंक नीचे मिल जाएंगे, जाकर देख लेना। ठीक है, मुझे वो वीडियो बहुत अच्छी लगी थी। ये वो वाली है कौन सी, ये नहीं आता, बस वो वाली, ये बस वो वाली है। सो गाइस अपना ख्याल रखिएगा और रजाना भी शुरू हो गई है। कौन सी वाली, किसी ने मुफ्त में वो शख्स पाया ये वाली जो हमें किया हाँ मुझको चाहिए था हाँ, बाकी मजे के इसमें एंड में जो एक्सप्रेशन देती है मजे के। हाय गाइस अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा हमें दुआ में याद रखिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने में स्टार्ट हो गया, सो अब दी एंड करो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।